हेलो दोस्तों, मैं मिलिंद फिर से लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग चर्चा शरबत पे चर्चा में। आपको पता है आज क्या है? आज है इंटरनेशनल बॉल एंड सैंड पेपर डे। मतलब, अरे रुको थोड़ा सा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये डे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने एक स्पेशल गेस्ट बुलाया है सीधा ऑस्ट्रेलिया से। आओ। अरे घबराओ मत, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमको। तो आज का हमारा गेस्ट है ऑस्ट्रेलिया का टैम्पर किंग स्टीव स्मिथ। हाय स्टीव, तुम्हारा स्वागत है अपने शो में। हे मिलिन। यार स्टीव, मैं बाकी कुछ भी पूछने से पहले तुमको ये पूछना चाहूँगा कि ये बॉल टैम्परिंग से इतना बवाल क्यों खड़ा हुआ? तुमको पता है, हम जब क्रिकेट खेलते थे ना, तब बॉल के साथ हम न जाने क्या क्या करते थे। कभी दांत से कुरेदते थे, कभी वो गटर में जाता था तब गटर से निकालते थे, कोई बोलता था उसको मिट्टी में रगड़ो, कोई बोलता था उसको पन्नी से रगड़ो, कोई बोलता था उसको पत्थर पे फेंको। और इतना अत्याचार करने के बाद बॉल का सिर्फ कलर ही नहीं, उसका शेप भी चेंज होता था, और फिर भी हमको कोई कुछ भी नहीं बोलता था। तो तुमने ऐसा क्या किया कि इतना बवाल खड़ा हो गया? बॉल में कुछ सोना होना था क्या, कुछ ऐसा? भाई 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 वो अरे अरे भाई, देखो अब फिर से रोना नहीं, तुम शरबत पी लो, फिर आराम से बताओ कि क्या हुआ था। आई एम ओके नाउ। यार मैंने कुछ नहीं किया था, वो बैंक्रॉफ्ट है ना, उसने बॉल पे सिर्फ सैंड पेपर से घिसा तो अंपायर चाचा मुझ पे भड़क गए। अच्छा, लेकिन उसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे वो बॉल थी ना, वो उसके बीवी ने उसको गिफ्ट की थी, तो अब बीवी के दिए हुए गिफ्ट पे खरोच आएगी तो चाचा गुस्सा ही करेंगे ना। हाँ यार, ये बात भी सही है, आजकल लोग अपनी बीवी से भी प्यार करने लगे। कोई बात नहीं, तो तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा करने से होगा क्या? ओके, मैं पहले ये बताता हूँ कि उससे क्या होगा और फिर मैं बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो उससे ये होता है कि सैंड पेपर की वजह से बॉल की एक साइड रफ होती है और उसकी वजह से वो विपरीत दिशा में टर्न करती है और बैट्समैन को फिर समझ में नहीं आता कि बॉल कैसे आ रही है और फिर वो क्लीन बॉल्ड होता है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली बात यह है कि मेरे पापा की हार्डवेयर की दुकान है स्मिथ सैंड पेपर वाले, और परसों ही हमारे दुकान में एक सैंड पेपर का नया सैंपल आया था। तब से पापा मेरे पीछे पड़े कि सैंपल टेस्ट करके देख, अगर 200 की ऑर्डर दी तो 50 का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैंने बैंक्रॉफ्ट को बोला, देख भाई ये सैंड पेपर के सैंपल मुझे टेस्ट करके दे, मैं अगले मैच में तुम्हें 2 ओवर्स ज़्यादा दूंगा। और फिर उसने टेस्ट किए तो चाचा ने फालतू में बवाल खड़ा कर दिया। ओह, मतलब तुम सिर्फ सैंड पेपर टेस्ट कर रहे थे और लोगों ने खामखा तुम पे इल्ज़ाम लगाया, तो तुम सच में सिर्फ सैंड पेपर टेस्ट कर रहे थे ना? हाँ यार, माता रानी की सोगन, शरबत पे चर्चा में बैठा हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा। और ऐसा नहीं होता तो पापा को मैं न्यूज़ वालों के सामने लेके जाता क्या? हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही है, अपने शो में कोई झूठ नहीं बोल सकता, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। चलो तो अब ये बताओ कि अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? बात का पता नहीं, पहले तो मैं पापा के वो सैंपल्स को आग लगाने वाला हूँ, दिमाग खराब कर दिया यार। अरे अरे अरे, कोई नहीं, हम सब लोग तुम्हारे साथ है। अब अगर तुम हमारे सारे दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहते हो तो दे सकते हो। कष्टाची बरी भाजी भाकरी तू पसाखरेची चोरी नको। तो दोस्तों, ये थे स्टीव स्मिथ। जोक्स अपार्ट, लेकिन सीरियसली यार, इतनी बड़ी बात एक्सेप्ट करने के लिए और मीडिया के सामने वो बात बताने के लिए भी बहुत गट्स चाहिए। मैंने तो इसको माफ़ कर दिया। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और गलती तो इंसान ही करता है। आई होप सब लोग भी आप उसको माफ़ कर दोगे। और इसी नोट पे आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।